हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीजे की स्वीटो। सो आज है मेरा बर्थडे एंड काफ़ी स्पेशल डे आज, बट थोड़ी सी सैड भी हूँ। बताऊँगी क्यों सैड हूँ और आपको शायद सेलिब्रेशन देखने को मिले, शायद नहीं भी मिले, ऐसा हो सकता है। और अभी मैं आ रखी हूँ अपने ससुराल बरेली, और दिल्ली में मैं नहीं हूँ अभी, काफ़ी दिनों में मैं बरेली में ही हूँ। और कुछ दिन के लिए मैं अपने घर गई थी किसी काम से, और बाकी फिर मैं अभी ससुराल में आई हूँ। तो देखते हैं बर्थडे सेलिब्रेट होता है या नहीं होता है। उससे पहले मैं आपको कुछ आपसे शेयर करना चाहूँगी। तो बात यह है कि अभी तक मुझे वीजे ने विश नहीं किया है, बर्थडे विश नहीं किया है, और दिन के 3 बज चुके हैं। मैं घर से बाहर आई हुई थी थोड़ी देर के लिए, और वीजे भी नहीं है, उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है वैसे, बट वो गए हुए हैं बाहर किसी काम से। और वो मुझे, उन्होंने बर्थडे ना 12 बजे विश किया, मुझे लगा था कि मुझे 12 बजे बर्थडे विश है, मेरा बर्थडे भूल चुके हैं। अब कुछ भी क्या पता हो, मेरे लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हो, वैसे भी हो सकता है, बट अगर कर रहे होते तो मुझे पता चल जाता है, बट ऐसा कुछ पता नहीं है। और मैं भी मार्केट जाऊँगी थोड़ी देर के बाद, तो चलते हैं शॉपिंग करने के लिए। देखते हैं क्या शॉपिंग करूँगी, मैं आप लोगों के साथ दिखाऊंगी कि मैंने क्या शॉपिंग की है बर्थडे वाले दिन। और थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है कि विजय ने अभी तक विश नहीं किया है, और देखते हैं कब विश करते हैं, शायद कोई सरप्राइज़ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ पता नहीं, क्योंकि वो अपने वर्क में बिज़ी हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा काम है उनका। कल भी वो 12 बजे फ्री हुए थे रात को, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। जैसा भी होगा आप लोगों को अपडेटेड रहेंगे और व्लॉग में बने रहिएगा। नमस्ते जय माता दी, कैसे हैं आप सब गाइस। आज बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे है, क्योंकि आज है स्वीटो का बर्थडे, और मेरे को छोड़ के हर किसी ने फैमिली में उन्हें विश कर दिया। इस बात को लेके स्वीटो बहुत ज़्यादा मेरे से नाराज़ भी है, बट ये एक प्लान था, मैंने सोच रखा है कि मैं उन्हें विश नहीं करूँगा और एक सरप्राइज़ दूँगा। और जैसा अभी तक हम चाह रहे थे प्लान के अकॉर्डिंग वैसा ही चल रहा है। इस प्लान में मेरे संग बच्चे भी मिले हुए हैं घर के। सो स्वीटो बहुत ज़्यादा गुस्सा है अभी तक, मैं आज मेरी छुट्टी नहीं ली, मैं यह वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो बाहर का जो रूम है उसमें मैं ऑफिस का वर्क कर रहा हूँ। सुबह से स्वीटो मेरे पास नहीं आई है, चाय देने भी नहीं आई, बच्चों के हाथ ही भिजवा दिया था, क्योंकि वो गुस्सा है कि मैं बर्थडे भूल गया, उन्हें ऐसा लग रहा है, जबकि मैं भूला नहीं हूँ। इस रूम में अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं, आई थिंक शाम हो चुकी है, अभी तक स्वीटो आई नहीं, क्योंकि दीदी के संग गई हुई है कहीं मार्केट में। सो मैं देखता हूँ और बच्चों ने अभी तक क्या क्या प्लानिंग करी है, सो देखते हैं क्या क्या चल रहा है अंदर, और थोड़ा बहुत सजाते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं क्योंकि स्वीटो आने ही वाली होगी। क्या बोलती पब्लिक, कितना काम हो गया? तो देखो ये अच्छा है, इतने सारे गुब्बारे फुला दिए, ये मुंह से फुलाए हैं, तो इसका मुंह क्यों फूला हुआ है? अगर तूने मुंह से गुब्बारे नहीं फुलाए तो तेरा मुंह कैसे फूल गया? चलो अच्छा अच्छा है, सही है, फटाफट कर लेते हो, मेरे ख्याल से आने भी वाली होगी, तो सही है। हाथ में एलर्जी है, ठीक है, और तुम मुंह से फुला नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे मुंह में एलर्जी होगी। चले चले कोई दिक्कत नहीं, एलर्जी वाले गुब्बारे साइड रख दिए, सो ऑलमोस्ट सारे साइड हो चुके हैं, और अब धीरे धीरे ऑलमोस्ट हो ही गया सब कुछ, तो बस लगा देते हैं इन्हें, डेकोरेट कर देते हैं, चिपका देते हैं, टेप वगैरह सब कुछ है ना। तो चलो ठीक है, फिर करते हैं स्टार्ट। अब आ गया है सरप्राइज देने का टाइम, मामी आ चुकी है, तो अब उनके साथ जा रहे हैं हम, देखते हैं। मामी आ गई मार्केट से? हाँ आ गई, थक गई यार बहुत ज़्यादा, थक गई। फिर अभी तो खाना वाना बनाना है, अभी मुझे आज क्या बनाना है, मम्मी ने बोला है कि पनीर बनाओ, आलू की सब्जी और पुलाव और पूड़ी और रायता बनेगा, पर मेरे पतिदेव को अभी तक याद नहीं है, बताओ। और खाना बना रही हूँ मैं, बर्थडे का ना सब कुछ हो रहा है, लेकिन पतिदेव को कुछ नहीं पता, उसका विश भी नहीं करा उन्हें। कोई नहीं, आपका ये स्ट्रेस भी दूर कर देते हैं, चलो एक सरप्राइज देते हैं। सरप्राइज क्या है? चलो चलो चलो, मुझे सरप्राइज पसंद है, अभी क्या मैं मुझे लग ही रहा था कुछ ना कुछ। कैसे कैसे इसको सब सरप्राइज करने के लिए यहाँ से बन गया हमारा। बहुत टाइम हो गया है, बहुत देर से मैं लगा पड़ा हूँ। मैं बना रही हूँ आज पनीर, तो मैंने यहाँ पनीर कट कर लिए हैं, यहाँ मैंने प्याज कट कर लिया है, और ये अदरक है, और यहाँ पर पनीर फ्राई हो रहा है। Happy birthday to you.
हैप्पी बर्थडे टू यू, जोर से कहा भाई, जोर से, चिल्ला के चिल्ला के, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे डियर दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू. केक फिलहाल टेस्टी लाया तू भैया, ये भी जरूरी है, एक पीस तेरे को भी मिल जाएगा. ये सारी अटक रही है तेरे. टॉफी खुश रहो. टॉफी, अरे थैंक यू. खोलो बोले बाद में, खोल ले अभी, खोल लेना जब मन करे तब खोल लो. जीजू का, जीजू का टॉफी पहले, एक एक ही खोल दी, एक बार खोल लो. तो बच्चों खाते जाओ, अच्छे से खोलूंगी ना ताकि नहीं ऊपर वाली. ये शानू की मेहनत है, शानू की पसंद है. शानू पन्नी लाया है. अच्छा, पैकिंग पेपर. वाओ, प्यारी लग रही है स्कर्ट. अब ये भी खोल लेती हूँ कि साथ में होगा ना इसके. काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की गई है ना, ऐसे चल नहीं रहा, लेकिन जो हिसाब से लगा वो ऊपर का है, नीचे का तो ठीक है, बस जिसका वो कलर है ये का वो धीरे-धीरे बिता दे. नहीं मुझे क्या, ये है सेकंड गिफ्ट, बहुत प्यारा है, टॉप बहुत प्यारा है, ले सकते हैं, बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल. कौन सा गिफ्ट है मसले में? अब उनका कौन, आप संजना को बोलती हैं? हां, अब ये है संजना का गिफ्ट, इस पे आएगा वो. हां, देखिए संजना का लेकर रख देना. इसमें भी टॉप, फटाफट विशाल, आज ही आज दिन में भागी हूँ मैं, बस आशीर्वाद दे दो. कैसा लगा? बहुत प्यार लगा. अब इसमें देखते हैं एक और गिफ्ट संजना की तरफ से. इसमें चॉकलेट लग रही है, तो केक खा ले पहले. तो ये है चॉकलेट. अब गिफ्ट का यही सिलसिला करते हैं. अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें. और सारे गिफ्ट बहुत प्यारे, और आप कौन सा गिफ्ट अच्छा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा. इसका सबसे बढ़िया गिफ्ट दूल्हे राजा का. सो विजय ने दिया है ये स्कर्ट, और ये लॉन्ग स्कर्ट है, और साथ में इसके दिया है ये टॉप. एंड मेरी सिस्टर ने चॉकलेट दी थी, और साथ में ये टॉप. सो अभी मुझे टॉप मिलना है शादी के बाद भी. हाँ जी, बर्थडे गर्ल, बताएं फिर कैसा लगा आपको सरप्राइज? बहुत 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 अच्छा. पता चला था कि मैं जान के भूल गया हूँ. मैंने ब्लॉग में बोल भी दिया था कि आपको याद नहीं है, आप मुझे बहुत दुख हो रहा है, और मैंने ब्लॉग भी शूट अच्छा ब्लॉग शूट किया था. तो हाँ, शूट किया था, तो मुझे पता भी नहीं था, अचानक से अच्छा लगा, लेकिन बहुत अच्छा. दिखाना मुझे, मैं भी देखूं क्या क्या बोला है. नहीं, ये ब्लॉग डालूंगी मैं पूरा. और ये खाना भी बहुत टेस्टी था, खाना भी बहुत अच्छा लगा हमें. खाना खा पी के बैठे हैं हम लोग, और अब बस इन्हें छोड़ने जाना है, कल इन्हें जाना है ऑफिस, तो इसलिए हम लोग, आप छोड़ने जाओगे फिर बस. चलिए, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और कमेंट करना ना भूले, बहुत सारे विशेष आने चाहिए कमेंट में, तो मुझे बर्थडे भी जरूर करेगा. तब तक के लिए बाय, हैप्पी बर्थडे अगेन. तो बर्थडे गर्ल को एक बार सब अच्छे से विश कर दे, हैप्पी बर्थडे.